नमस्कार, स्वागत है आपका एंड रिपोर्ट में। आपने भूत कबूत तो देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा कबूत बेटा भी देखा है जिसने अपनी माँ की हत्या करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उसमें नमक मिर्च लगाकर खा गया? नहीं, ऐसे दरिंदे के बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। महाराष्ट्र के एक हवान ने 2017 में अपनी माँ की निर्ममता से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद माँ के दिल, गुर्दे और आंते निकालकर उसमें नमक मिर्च लगाकर खा गया। इस हवान को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाते ही जिला अदालत के जज महेश यादव ने कहा कि ऐसा जघन्य मामला आज तक नहीं देखने को मिला, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 35 साल का सुनील कुछ कोरवी वारदात के बाद से ही जेल में बंद था, हालांकि उसके बाद अभी सजा के खिलाफ अपील करने के विकल्प मौजूद है। बता दें, कोल्हापुर के मक्कड़वाला वसाहट इलाके में यह वारदात 28 अगस्त 2017 को हुई थी। जानकारी के मुताबिक सुनील ने अपनी 62 साल की मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। बुजुर्ग महिला का शव अलग अलग हिस्सों में कटा हुआ मिला था, हर हिस्से पर नमक मिर्च लगी थी। पुलिस ने सुनील को जब पकड़ा तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। पुलिस ने जब उसे अपने तरीके से पूछा तो उसने कबूल किया कि उसने मां के अंग खाए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि सुनील शराबी था और हर रोज शराब पीता था। वारदात वाले दिन भी उसने अपनी मां से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। मां के पास पैसे न होने के कारण उसने मना कर दिया, तो गुस्से में आकर उसने अपनी मां का चाकू से गोदकर कत्ल कर दिया। इसके बाद आरोपी ने अपनी मां के शरीर के दाहिने हिस्से को चीर दिया और दिल, गुर्दे, आंत और अन्य अंगों को निकालकर रसोई के पास रख दिया और खाने लगा। इस मामले में 12 लोगों की गवाही हुई है, जिसमें आरोपी के रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल है। सभी ने बताया कि शराब पीने के बाद आरोपी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था।